चाचा जी क्या नाम है? मेरा नाम संदीप पाल है। संदीप जी बताइए 24 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या लगता है कौन आएगा? हम तो ये कहने वाले मोदी जोगी आएंगे तो यही लोग। पर उम्मीद किस सरकार से है? भाजपा कह रही है 400 पार करेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो नौकरियां देंगे। बीजेपी वाले आएंगे 100% वो आएंगे। काम कैसा हो रहा है बीजेपी वाले? कैसा काम काम सही कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो 30 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे, मुश्किल आ पाएंगे। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नहीं आएंगे। यूपी में क्या होगा? यूपी में यही जीतेंगे। गठबंधन में जयंत चौधरी के जाने से क्या असर पड़ा है? गठबंधन में न जीत पाएंगे, यही जीतेंगे, बीजेपी आएगी यहाँ से। योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा? इस काम सही काम कर रहे हैं। और अभी जो गैस सिलेंडर सस्ता हुआ उस पर क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, डीजल के दाम वो सस्ते हुए, हमारे तो पैसे उसमें आ रहे हैं किताब में, उसमें सिलेंडर वाले सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं होली पे। और ये बुलंदशहर के ई रिक्शा चालक क्या कहते हैं, क्या नाम है? रिंकू नाम है। रिंकू जी बुलंदशहर में माहौल क्या चल रहा है भैया? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खूब बढ़िया। 24 में किसकी सरकार? मोदी जी की है। क्यों मोदी जी की? बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम उखाड़ क्या, पहले भी तो थे, उन्होंने क्या करा? तो मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, हमें खूब बढ़िया काम है। कानून जो लाया गया है अभी सीए उसको क्या लगता है? बढ़िया, कोई काम में सीएम कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। नागरिकता देने वाली जो बात है? हाँ, नागरिकता वाली बढ़िया है। तो अभी बाबा का काम कैसा चल रहा है बुलंदशहर में? बाबा काम बढ़िया चल रहा। हाँ भाई, बाबा काम बढ़िया है ना? बताइए क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कौन किसकी सरकार? सरकार बीजेपी आएगी तो अच्छे काम कर रही, अच्छा प्रदर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना राशन फ्री मिल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है, सब चीज़ फ्री है। उम्मीद है इस सरकार से? उम्मीद पूरी उम्मीद ही उम्मीद है, 110% काम करी सरकार। तो अखिलेश राहुल का क्या होगा? अखिलेश राहुल क्या करेंगे, पहले ही वो चुप रहे थे, अब भी चुप ही रहेंगे, क्या करेंगे? कौन सी सरकार? मोदी सरकार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकदलाल। मुकदलाल? मुकदलाल, मुकदलाल। अच्छा, क्यों योगी सरकार? योगी सरकार काम कर रहे हैं लोग, ये भेदभाव कर दिया। भेदभाव तो नहीं हुआ है, बाकी थोड़ा सही भी है। रोजगार कुछ मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है सरकार पर? रोजगार ये ट्रेडी चलाओ और रोजगार कमाओ। अच्छा, इसमें बीजेपी नारा दे रही है 300 पार 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हम आएंगे तो नौकरियां देंगे, तो बीजेपी इस सत्ता से जाएगी, क्या लगता है? जो उन्होंने 50 साल में ना दी तो अब कहाँ दे पाएंगे, अब तो उनका आशा ही नजर ना रहे। हाँ, क्योंकि उनका वोट किसको जाएगा? मैं तो मोदी को दूंगा वोट। हाँ, लेकिन क्या क्यों पसंद है मोदी? मोदी जी एक सच्चे आदमी हैं, वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। बस ये है, बढ़िया आदमी है वो। ठीक है, आप ये रिक्शे चलाते हैं जी? क्या नाम है? सतीक जी, बताइए इस बार 24 में क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होगा? मोदी जीतेगा। मोदी क्यों जीतेंगे सर? मोदी बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए बुलंद शहर की बात करें तो जनता की नब्ज क्या है? हम तो निकल चुके हैं आप लोगों से पूछने के लिए सवाल, तो आपको क्या लगता है आसपास माहौल क्या लग रहा है? मोदी का ही लग रहा है। क्यों मोदी जी का लग रहा है? मोदी सबकी मदद कर रहे हैं। सब कुछ मदद कर रहे हैं सबकी। तो लेकिन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, भूखमरी आ गई। वो तो है, बहुत महंगाई बहुत चल रही है, इसे मोदी जी कम करेंगे, हमें आशा है। तो ये बताइए कि पिछले बार हमने देखा था कि 303 सीटें एनडीए जीती थी और भाजपा की भी अच्छी खासी सीटें आई थी, वही विपक्ष की बात करें तो 92 सीटें और विपक्षी गठबंधन की बात करें तो 92 सीटें आई थी। तो अब बताइए क्या लग रहा है इस बार उतनी सीटें आ पाएगी, 400 के पारा होगा? उससे पहले से ज़्यादा आएंगे, आपका ज़्यादा आएंगे, पक्का ज़्यादा आएंगे, लिख लो तो मुझे पकड़ लिया। भाजपा की पिछले बार 303 सीटें आई थी, 350 को जाएगी पक्का। तो मोदी जी नारा दे रहे 400 पार आएंगे हम एनडीए, वो 400 तो ना पहुंचे मगर 350 तक आ जाएगी। उम्मीद है भाजपा सरकार से? आप कह रहे भाजपा जिताएंगे? आपके बार उम्मीद है, हाँ हमें भी कुछ मदद मिले। अच्छा, ये रिक्शा किराए के चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का काम कैसे चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। तो विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का? इनका कुछ ना होगा, महिला थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? जी माया जोशी। जी माया जोशी। माया जोशी, जोशी जी बताइए आराम से जी। जोशी जी बताइए महिलाओं का क्या अभी स्थिति है, महिलाओं की स्थिति 24 में किसका सरकार? मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और कोई दूसरा है ही नहीं उसके बराबर अच्छा काम करने वाला, और कोई दूसरा नहीं है जी। नहीं, राहुल अखिलेश जी क्या कहेंगे?
जी राहुल जी तो नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे जी। और यहाँ पे बाबा कैसा काम कर रहे हैं बुलंदशहर में? बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो बुलंदशहर ही में रह रहे हैं। कितने साल हो गए? पाँच साल हो गए बुलंदशहर में। नौकरी में लगा, यहाँ पहली पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग हुई है जी। तो कहा जा रहा है रोजगार नहीं है, बेरोजगारी हो गई, हिंदू मुस्लिम होता है, भेदभाव होता है, बीजेपी सरकार खराब है, भ्रष्ट है? नहीं, अच्छी है। अच्छी है जी। महिलाओं के लिए अभी गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए तो कुछ राहत मिली, फायदा हुआ? हाँ, गरीबों के लिए फायदा हुआ। मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब करता है। गवर्नमेंट जॉब करता है जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब रोजगार वगैरह पास निकला है कंपटीशन से पास। अच्छा, देखिए एक बार मैं दिखाऊंगी, मेरे पीछे देखिए पुलिस के अफसर हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी है। और आज बुलंदशहर में हमारी टीम पहुँच गई है, चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस की तैनाती मिलेगी, जो कि शहर के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारगर साबित होती है। और मैम ये भी बताइए, महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री जोर दे रहे हैं, महिलाओं को आज़ाद करना, सशक्त बनाना, घर से आप काम कर सकती हैं, उद्योग छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं और वो कर सकते हैं, तो इस ये फैसला कैसा लगता है कि पिछले सरकार में ये फैसला लिए गए थे? नहीं, उनमें इतना नहीं लिए गए थे, इसमें लिए गए। तो अभी आप कैसा सम्मानजनक महसूस करती हैं, सुरक्षा महसूस करती हैं? हाँ जी। मतलब सेफ्टी कितना लगता है बुलंदशहर में? बुलंदशहर की थोड़ी पहले की कहानी थोड़ा पब्लिक को बताइए ना। नहीं, मैं दीदी अभी नहीं आई हूँ, पाँच ही साल हुए, लखनऊ से आई हूँ। अच्छा, मतलब अच्छा शांति कैसी है? अच्छा सर। महिलाएं निकल पाती सड़कों पर? अब दीदी हम तो मालूम नहीं। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। 24 में क्या पलड़ा भारी होगा, कल चुनाव का ऐलान हो जाएगा? बीजेपी जीतेगी जी पक्के, बिल्कुल। मोदी जी के साथ है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया साथ है बिल्कुल। क्यों, लेकिन क्या लगता है क्यों? मोदी जी ने इतना विकास किया है और आज पूरे देश में उनका जो उन्होंने काम किए, इतने अच्छे काम किए हैं कि सब पब्लिक उनके साथ हो गई है। जो विरोधी थे वो भी उनके साथ आज आ रहे थे, तैयार बैठ रहे हैं। और विदेशों में भी उनकी इतनी पूछ है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री तक उनके पैर छू रहे हैं आज। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप मोदी जी जीतेंगे, 24 में मोदी जी आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे। और ये बताइए कि बाबा का काम यहाँ कैसे चल रहा है सर? बाबा काम बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बुलडोजर बिल्कुल बेहतरीन, बुलडोजर बेहतरीन। मुख्तार अंसारी को जो जेल की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास हो गया, तो लगता है कि वाकई इस सरकार के आने के बाद माफिया मुक्त प्रदेश हुआ? बिल्कुल हुआ जी। अच्छे अच्छे सब बदमाश गले में तख्ती डालकर थानों को पहुंच रहे हैं, क्या सिलेंडर कर रहे हैं अपने आप के, हमें जेल में बंद कर दो, हम मरना नहीं चाहते। इतना खौफ किसका, बाबा का ही तो खौफ है ये। बाबा का खौफ मतलब लग रहा है बिल्कुल। आप जो लगना, तो बुलंदशहर का माहौल कैसा चल रहा है अभी, क्या लगता है? आप युवा हैं, काम करते हैं? हाँ। अच्छा, बुलंदशहर का माहौल कैसा चल रहा है? माहौल तो बढ़िया है जी, बढ़िया है। अच्छा, अब अखिलेश यादव कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार कि हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। ना उखड़े। राहुल गांधी कह रहे 30 लाख नौकरियां देंगे। ना देवे। अच्छा ये बताइए, हम सर्वे कर रहे हैं, CAA कानून कैसा आपको लगता है जो लाया गया नागरिकता वाला? मस्त है जी। मस्त है। तो कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते हैं बीजेपी वाले? भेदभाव तो देखो हर एक किसी के मन में भरा पड़ा, लेकिन पर हाँ ये चीज है, इससे शांत हो जाएगा काफी सारा मैटर। अच्छा, उम्मीद है। बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे, आंकड़ा क्या लगता है? 400 से पार ही जाएगी जी। पार जाएगी, ठीक है। क्या नाम है, किसकी सरकार 24 में? 24 में योगी सरकार। नाम बताइए। कमल पंडित। कमल पंडित जी, पंडितों का माहौल क्या चल रहा है पहले बता दीजिए। पंडितों का माहौल बहुत अच्छा है, परशुराम भगवान का आशीर्वाद है। हाँ। और योगी जी पर भी बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हाँ। योगी जी गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। हाँ। और एक नंबर सरकार, मोदी सरकार। कहाँ रहते हैं? बुलंदशहर में रहते हैं। बुलंदशहर का मेरा गाँव जैनपुर। ये बताइए कि बुलंदशहर की कायाकल्प कितनी हुई, पहले क्या माहौल था और अभी महिलाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था एक नंबर थी, जब मायावती की सरकार थी गुंडाराज था, योगी सरकार में ये गुंडाराज खत्म हो गया है। हाँ। बिल्कुल लूटपाट खत्म हो गई है, एक नंबर सरकार है योगी सरकार। प्रधानमंत्री 24 में कौन? प्रधानमंत्री 24 में मोदी। योगी 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 जी। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? योगी। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को खुली वोट जाती है जी। राहुल गांधी तो कह रहे लेकिन कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई आ गई है। राहुल गांधी को 10 वोट ना आए हमारे गांव से, 10 वोट ना पूरे गांव से। 1100 का बोलेंगे हमारा, 1100 का 900 1080 वोट बीजेपी की। 1080 कौन सा गांव हुआ? विलेज जैनपुर, पोस्ट मालागा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, गाँव जैनपुर में, वहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। आप तो चुनाव के पहले ऐलान कर रहे हैं भाई, बीजेपी एक तरफा जीतेगी और विशाल जीत होगी। में कहा, अच्छा जयंत चौधरी के आने से कितना फायदा हुआ गठबंधन? जयंत चौधरी किसका नाम ले दिया आपने फायदा बहुत हो। अभी एक युवा गाड़ी में बैठे थे, बोल के गए कि बेरोजगारी आ गई है, उस पर थोड़ा काम करे, लेकिन बीजेपी सरकार चाहते तो नहीं। बीजेपी की सरकार ने रोजगार बहुत दिए हैं। हाँ। अब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, रोजगार करना नहीं चाहता, तो उसे कहाँ से रोजगार मिलेगा?
अच्छा, मतलब जो युवा बेरोजगार है उनकी पढ़ाई लिखाई की कमी है। बस बस बस, थोड़ी सी मेहनत करो हर तरीके से। केला बेच के राजी है वो, केला ही बेचेंगे जो लोग केला बेच के और फल के केले लगान में काम करते हैं। हमारा खुद का बिजनेस है। जी, हमारा अपना बिजनेस है, पार्टनर है। अभी क्या लगता है देश की स्थिति बेरोजगारी महंगाई के ऊपर जा रही है क्या कि काम हो रहा है? महंगाई को बढ़ेगी अगर अब मजदूरी भी को बढ़ गई है, जो मजदूर 400 रुपए में काम कर रहा है वो 600 में आ रहा है। अच्छा। तो बेरोजगारी भी बढ़नी चाहिए। हाँ। उसमें कौन सी बुराई आ रही है? तो उम्मीद है आप लोगों की 24 में अगर आ जाएगी बीजेपी सरकार तो काम करेगी। हाँ, काम करेगी और काम कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है, हर तरीके से, हर तरीके का साथ दे रही है, सबका विकास सबका साथ। यहाँ बुलंदशहर में पहले बड़े झगड़े होते थे, लड़ाई झगड़े। हाँ, झगड़े होते थे, झगड़े करते थे, हमारी बहन बेटियों से उल्टी सीधी वार्तालाप करते थे, चाइनीज कैट बढ़ गई थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया योगी जी के आने से। बहुत योगी जाने जी बिल्कुल। अच्छा, तो सीट क्या लग रहा है आपको पंडित जी? सीट तो कहा जा रहा है मोदी सरकार के लिए 400 आंकड़ा पार करेंगे। 400 आंकड़ा पार ही होगी, बिल्कुल होगी हर तरीके से। बार होगा, मतलब माहौल अभी लग रहा है बीजेपी की। बिल्कुल है, हर तरीके से लहर बीजेपी की रहेगी एंड तक। तो विपक्ष कह रहा तीसरी बार तो नहीं आने देंगे? विपक्ष कहीं भी नहीं रहेगी, दूर दूर तक विपक्ष का कोई नाम नहीं रहेगा। कहाँ कोई नहीं, कहीं से कहीं तक। अच्छा, तो कहा जा रहा है देश का कर्जा बढ़ गया है, अडानी अंबानी को सब पैसा। कोई कर्जा नहीं है, कहीं से कहीं तक उठा लो। जैसा मोदी बेचारा आया था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, देश पर कोई कर्जा नहीं लेके जाएगा। मोदी जी के सूट पे चश्मे पे इतना खर्च, राहुल गांधी कहते हैं वो पप्पू है, वो तो आलू से सेव निकाल के आलू से सोना निकाल देगा, ऐसी मशीन ले आएगा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस का इस बार क्या होगा? कांग्रेस को हारेगी, वो को पहले समाजवादी पार्टी इनका। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, गठबंधन में देखिए तो हुआ है ना एक बार, गठबंधन में सारी पार्टियां मोदी के खिलाफ है और इधर एनडीए में पार्टियां आ रही है, जयंत चौधरी आ गए साथ में, उड़ीसा वाले आ गए, तो क्या लगता है कि गठबंधन में किसका पलड़ा भारी है? गठबंधन कितना भी कर लो, योगी ही सरकार आगे रहेगी, बीजेपी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गठबंधन से भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। पहली बार भी कर चुके हैं ये लोग गठबंधन में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनौतियां कोई बीजेपी सरकार के सामने कुछ? कोई चुनौती नहीं है, कहीं एक से एक लाख तक कोई चुनौती नहीं है, सब सारी चुनौती स्वीकार करेगी और हर चुनौती पे खरा उतरेगी। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। ठीक है, तो मतलब सीटें आप कितने, क्या लगता है कितने सीटें पूरी आंकड़े से पार जाएंगे, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे ऊपर जाएंगे, 400 प्लस ही जाएगी सीट। 400 प्लस जी।